मैं तालाब पे नहा के आती हूँ। अरे फिर सो गए मुखिया? ये तांगा उनका है। मैं बार बार कह चुका हूँ यहाँ कोई नहीं आया। सिपाहियों, मेरे पास गिनने तक अगर ये नहीं बताए कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, इन सबको मार दो। एक, दो, तीन। शंभू सिंह, तुम्हें मेरी जरूरत है ना? मैं आ गया। रुकिए, महाराज से थॉमस का हुक्म है कि जो जो पकड़े जाए उन्हें कैदी बनाकर जहाज तक पहुंचा दिया जाए। चप्पू चलाने के लिए गुलामों की जरूरत है। पानी। नहीं, पहले सरदार को पानी पिलाओ। खबरदार, इसे पानी नहीं मिलेगा। इसे पानी मिलेगा। ले, ले पानी पी ले। ए, बुढ़िया। बोलो बेटे। लो बेटे, पानी पियो। बुढ़िया की सजा सरकार, बुढ़िया को पानी पिलाने की सजा। गुलामों को जहाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ए, खड़े क्यों? चलो जल्दी करो, चलो नीचे, जल्दी करो, जल्दी। क्या निशान? मेरा नाम है लायन सिंह, मतलब शेर सिंह। अंडरस्टैंड? तुम क्यों खड़ा है? मैं चप्पू नहीं चलाऊंगा। यू काला कुत्ता! बड़े बड़े 30 मार खांसी दे कर दिए हैं। यू विच खेत की मूली? नाउ स्पीक, किस खेत की मूली हो? ये उस खेत की मूली है शेर सिंह, जिस खेत की मिट्टी को तुम्हारे बाप दादा पूछते रहे। करीम खान! सेड यू व्हाट? बोलो बोलो, तुम क्या बोले? यही कि ये भी चप्पू चलाएगा। हाँ, ये भी चप्पू चलाएगा। लायन सिंह, मैडम, ऊपर आओ। कमिंग मैडम, कमिंग कमिंग। मेरे दोस्त, अरे मेरी गवर्नमेंट, नेम साहब के साथ साथ उसको खुश रखना भी मेरा ही फर्ज है। ये छोकरी, ऊपर की सफाई के साथ साथ नीचे वालों को पानी पिलाना भी तुम्हारा ही काम है, समझी? पानी, पानी। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ कदम कदम पे खतरा है। तुम्हें प्यास लगी है, पानी पी लो। हम दादी, पानी गुलामों को पिलाया जाता है, यारों को नहीं। चल ऊपर, तेरी लपड़ ली जाएगी। चल चल चल। ए भाई, जंग में पहली हार के बाद
जब हम मुट्ठी भर सिपाही रह गए थे अपनी महारानी के साथ, महारानी झांसी के साथ, तो जानते हो उस वक्त उन्होंने क्या सोचा, क्या कहा? अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखे, वो लड़ाई हो कि अंग्रेज जिसे याद रखे। वो लड़ाई होगी करीम खां, वो लड़ाई होगी। इस जमीन पर रहकर अब हम क्रांति का झंडा लहराएंगे जैसे वो लहराया करता था। वो कौन सरदार? वो जिसका नाम लेते ही गर्दन फख्र से ऊंची हो जाती है, जिसकी याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या जंजीरों में जकड़कर क्रांति बेबस हो जाता है? वो लड़ाई कब होगी भाई? जरूर होगी। कब होगी वो लड़ाई? कब होगी वो लड़ाई? क्या इनकलाब के सिपाही घुट घुट कर मर जाएंगे? क्या हमारी बाकी जिंदगी सिर्फ चप्पू चलाने के लिए बची है? क्या हमारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह गया है? आखिर वो लड़ाई कब होगी भाई? वो लड़ाई कब होगी? कब होगी? कब होगी? करीम, अब तो बर्दाश्त खुद कहती है भाई कि बर्दाश्त की हिम्मत नहीं, बगावत कर दो। हरामजादो, बगावत की बात करते हो? शेर सिंह तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। अबे अबे अंग्रेज के कुत्ते, जोर से मार मार चूहे मार। मार चूहे मार। वो क्या सुनाया था तुमने? क्या कहा था झांसी की रानी ने? हाँ भाई, महारानी झांसी ने कहा था, अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखे, वो लड़ाई हो कि अंग्रेज जिसे याद रखे। समझे? समझा तू? हाँ, मैं अंग्रेज के कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सादे, लड़की पे हाथ उठाता है? अरे मर्द का बच्चा है तो खोल दे हम में से किसी के हाथ, और फिर देख शेर सिंह चूहे की मौत न मरा तो कहना। करीम खां, तुझे मैं बाद में देखता हूं, पहले हरामजादी से निपट लो। कम ऑन, कम ऑन बास्टर्ड। तुम अंग्रेजी बोलती हो? यस, अंग्रेजी बोलने वालों के तो तुम जूते चाटते हो। मैं कहती हूँ अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत है तो इन सब के पैर छूकर इनसे माफी मांगो। मैं इनसे माफी मांगू? इन हिंदुस्तानियों से? Yes, you bastard! तुम सिर्फ राजपूतों के नाम पर ही नहीं, सारे हिंदुस्तान पर कलंक हो कलंक। ये अंग्रेजी बारूद हिंदुस्तानी जिस्म को बहुत रास आता है। पानी, पानी। ठहरो, आज किसी को पानी नहीं मिलेगा। गोली चलानी है तो चला लो, मैं इसे पानी पिलाऊंगी। मुखिया जी उठो, पिलो पानी। मर गया? अरे कुत्तो, तुम्हारा साथी मर गया। कराई रो। शेर सिंह, इसकी मौत पे आसमान रोएगा, रोएगा आसमान, और बदला लेंगे हम। ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल बाहर की निशानी है। शेर सिंह, इस बार काले बादल, काले बादल इस बार लाल पानी बरसाएंगे। शेर सिंह। यस सर। लाश को समुंदर में फेंक दो। उड़ा दो इन दोनों को। खबरदार,
चूं तक भी की तो तुम्हारा सांप चूं चूं करता दम तोड़ देगा। शेर सिंह तुमने हमारा नमक खाया है। ओह शट अप यू फ्रेंडी साहब, नमक तुमने हमारे देश का खाया है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। कैसे हो सेनापति? तुम्हारे फरार हो जाने के बाद मेरे सर पर एक बोझ था, आज हल्का हो जाएगा। सर जिस्म से अलग भी हो सकता है। तुमने अपना दिमाग, अपनी आत्मा नीलाम कर दी और उस नीलामी की बोली जीतने वाला है फिरंगी, अंग्रेज। हम बकवास सुनने के आदि नहीं हैं। बकवास करने के आदि हो। खामोश। साथी हो या खुददार, शक्ति बहादुरों की कदर करना जानता है। लो झुक गया शक्ति, अपनी तलवार से इसका सर अलग कर दो। तुम्हारी आंखों की चमक मेरे दिल का दामन खींचती है। जाओ जाओ और फुर्सत में अपने आप से पूछना, टटोलना अपनी आत्मा को, और जब असलियत समझ में आ जाए तो आ जाना क्रांति के झंडे के नीचे, मिलकर आजादी का सपना साकार करेंगे। ये क्या किया आपने? हैं? क्या किया? आप नहीं जानते, वो आज हमारी जान ले सकता था।